गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के चैप्टर 5 एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किन विधियों द्वारा किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली वो विधियाँ जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का संश्लेषण किया जा सकता है, दूसरी वो विधियाँ हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड का संश्लेषण किया जाता है, तीसरी वो विधि है जिससे सिर्फ कीटोन का संश्लेषण किया जाता है। उसमें हम पहली विधि का अध्ययन कर रहे थे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया जाना संभव है, जिसमें हमने एल्कीन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि एल्कीन का किस प्रकार ओजोनीकरण करके यानी ओजोनोलाइसिस करके पहले मोलोजोनोइड बनाया गया, उसके बाद ओजोनोइड बनाया गया, फिर उसका विखंडन करके कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाए गए। आज हम फिर एक विधि का अध्ययन करेंगे जिसमें एल्कीन नहीं एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाए जाते हैं। तो एल्काइन का उपयोग करके किस प्रकार कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। एल्काइन के द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड का बनाने की यह विधि हाइड्रोबोरोनीकरण कहलाती है यानी हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन इसलिए क्योंकि हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और बोरोन यानी बोरोन, इस विधि में हम BH3 या B2H6 का कंपाउंड काम में लेते हैं। देखिए बच्चों, B2H6 को अगर दो समान भागों में विभाजित किया जाए तो BH3 आता है, यानी B2H6 जो हम काम में लेते हैं उसका एक पार्ट BH3 एक रिएक्शन में काम में आता है। इसमें हम देखते हैं कि BH3 किस प्रकार एल्काइन यानी कार्बन ट्रिपल बंद कार्बन पर अटैक करता है या जुड़ता है। BH3 में एक खास बात यह है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बोरोन की तुलना में ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन और बोरोन बंद पोलर यानी ध्रुवीय प्रकार का होगा, लेकिन हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश और बोरोन पर आंशिक धनावेश होगा। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पे ऋणावेश है और बोरोन पे धन आवेश है। तो इस BH3 का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के दोनों कार्बनों पे जब योग होगा तो वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होगा। तो मार्कोनिकोफ नियम है क्या जिसके अनुसार ये जुड़ेगा? तो देखिए, मार्कोनिकोफ नियम यह कहता है कि जो स्पीसीज जुड़ रही है उसका धन आवेशित भाग कौन सा हुआ? धन आवेशित भाग हुआ है बोरोन वाला भाग। डबल बंद या ट्रिपल बंद से जुड़े हुए उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा हो, यानी दोनों कार्बन ट्रिपल बंद कार्बन के कंपेयर में जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ धनावेशित भाग जुड़ेगा, या ये भी कह सकते हैं कि धनावेशित भाग वहाँ जुड़ेगा जो कार्बन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो यानी कम प्रतिस्थापी हो। देखिए, इस कार्बन के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यानी एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यानी कि कोई एल्किल समूह यानी प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि इन दोनों कार्बन में से वो कार्बन कौन सा है जिस पे कि प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है या जो सबसे कम प्रतिस्थापी है, ये वाला कार्बन। तो इस कार्बन पर ही अटैक करने वाले ग्रुप का धन आवेशित भाग जुड़ेगा। जैसे हम यहाँ देखें तो ये H- तो जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे, और ये BH2+ जुड़ेगा ये बाहर वाले कार्बन पे, और हमारे ये कंपाउंड प्राप्त होगा। हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ और BH2+ जुड़ा है यहाँ। इस प्रकार ये कंपाउंड अगर दूसरे एल्काइन पे जुड़ता है तो दूसरा एल्काइन भी इससे इस प्रकार से जुड़ जाता है जिस प्रकार से पहला एल्काइन जुड़ा है। उसके बाद अगर ये कंपाउंड तीसरे एल्काइन से अभिक्रिया करे तो तीसरा एल्काइन भी इसके साथ में जुड़ जाता है। 3 एल्काइन तक इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापी यानी रिप्लेस होता जाएगा और एक एक एल्काइन समूह इस पर जुड़ता जाएगा, 3 से ज़्यादा इसमें नहीं जुड़ पाएंगे।
जब तीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यानी एल्काइन ग्रुप बोरोन के साथ में जुड़ जाते हैं और एक एक करके तीन हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो कहलाता है वाइनिल बोरेन। वाइनिल में भी वाइनिल बोरेन तो है लेकिन वाइनिल तीन है, देखिए यहाँ ब्रैकेट के बाहर तीन लिखा हुआ है, यानी एल्किल फिर सिंगल बंद कार्बन हाइड्रोजन फिर डबल बंद सी एच और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है तीन लिखा हुआ है और बोरोन एक बोरोन के साथ तीन वाइनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाइनिल बोरोन कहलाता है। अब ये जो वाइनिल बोरोन हमारे पास मध्यवर्ती के रूप में बना है इसकी हम सारे माध्यम में H2O2 यानी हाइड्रोजन परोक्साइड के साथ में ऑक्सीकरण कराते हैं। सारे माध्यम के साथ मैं करवाना है, देखिए रिएक्शन नंबर वन ये हो गई, रिएक्शन नंबर टू यहाँ है ना, ये सारे माध्यम यानी कि NaOH लिया हुआ है और किससे ऑक्सीकरण करा रहे हैं H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड से ऑक्सीकरण करा रहे हैं, किसका ये वाइनिल बोरोन बोरेन का, बोरोन एक है और तीन वाइनिल ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं। तो जब सारे माध्यम में हम हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 से वाइनिल बोरेन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये जो बोरोन है ये सोडियम के साथ में अभिक्रिया करके Na3BO3 बना लेगा, क्या बना लेगा Na3BO3 और इस कार्बन के साथ, तो ठीक है उसके ये जो बोरोन है ये इस Na के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा Na3BO3 और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा OH समूह जुड़ जाएगा, तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा ये वाला कंपाउंड हमें प्राप्त होगा। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो क्या होगा बाद में, इस कंपाउंड में बाद में हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होगा, तो हाइड्रोजन तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बंद यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप हमें प्राप्त होगा। आप ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग को एक बार ध्यान से देखिए ताकि आपको बात इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, देखिए हाइड्रोजन यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है और ये डबल बंद यहाँ से इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो रहा है जिससे हमें ये एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हो रहा है। तो एक साथ हमें कितने कंपाउंड प्राप्त होंगे, देखिए बोरोन के पास तीन हाइड्रोजन थे तो एक एक करके तीन एल्काइन समूह बोरोन के साथ में जुड़ सकते हैं और जब सारे माध्यम में H2O2 के साथ में इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो हमें उत्पाद में भी तीन उत्पाद प्राप्त होंगे और तीनों उत्पाद वही होंगे जो हमने एल्काइन समूह लिया है, उस एल्काइन समूह के ही समवर्ती एल्डिहाइड ग्रुप हमें प्राप्त होंगे। इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन हूँ करता तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए ये एल्काइन है, ये एल्काइन BH3 के साथ में जुड़ता है। अब इसकी खास बात क्या है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बोरोन से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन पे माइनस और बोरोन पे प्लस, तो माइनस वाला तो जुड़ेगा इस कार्बन के साथ में और प्लस वाला समूह जुड़ेगा बाहर वाले कार्बन के साथ में और हमें ये प्राप्त होगा। अभी एक एल्काइन समूह जुड़ा है, फिर ये दूसरा वाला एल्काइन समूह भी जुड़ जाएगा तो ये मिलेगा और ये तीसरा वाला एल्काइन समूह जुड़ने के बाद में हमें ये मिलेगा। तीन जुड़ गए, देखो तीन लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कहेंगे वाइनिल बोरेन जिसमें बोरोन एक है और वाइनिल ग्रुप तीन है। अब इस वाइनिल बोरेन का जब सारे माध्यम यानी NaOH की उपस्थिति में H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो बोरोन तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके Na3BO3 बना लेता है और यहाँ क्या जुड़ जाता है बाहर वाले कार्बन के साथ OH समूह जुड़ने के बाद में ये बनता है, ये बन गया। ये बनने के बाद में इस हाइड्रोजन तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और डबल बंद यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो हमें एल्डिहाइड समूह की प्राप्ति होगी और ऐसे कितने एल्डिहाइड मिलेंगे हमें तीन, क्योंकि बोरोन के साथ तीन वाइनिल समूह जुड़े हुए थे। अब अगर हम इसको एक और एग्जाम उदाहरण से देखें तो हम ये देखते हैं कि हम एक उदाहरण देते हैं वन ब्यूटाइन में ये जो ट्रिपल बंद है ये बिल्कुल साइड में है तो ये वन ब्यूटाइन BH3 से अभिक्रिया करेगा, उसके बाद सारे माध्यम में H2O2 के साथ में इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप इसमें बदल जाएगा यानी कि एल्डिहाइड में बदल जाएगा तो वन ब्यूटाइन से हमें वन ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा, यानी ये जो लास्ट वाला है सीमांत
जिसको हम लास्ट वाला भी कहते हैं, लास्ट वाला या सीमांत कार्बन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर हम वन ब्यूटाइन की जगह टू ब्यूटाइन काम में लें, जिसमें कि ये जो ट्रिपल बंद है ये बीचों बीच है, तो क्या होगा, जब ट्रिपल बंद बीचों बीच और दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो इन ट्रिपल बंद से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणु में से कोई एक कार्बन परमाणु कार्बोनिल ग्रुप में परिवर्तित होगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कीटोन। कौन सा ग्रुप मिलेगा हमें, कीटोन। देखिए देखिए बच्चों, जब सीमांत एल्काइन था, सीमांत एल्काइन वो एल्काइन जिसके कोने पे यानी लास्ट कार्बन पे कार्बन ट्रिपल बंद कार्बन है, तो ये जो लास्ट वाला कार्बन है ये एल्डिहाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा और हमें नेल यानी एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, कार्बोनिल ग्रुप यानी कीटोन नहीं मिलेगा, कार्बोनिल ग्रुप में हमें एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन जो ट्रिपल बंद है वो इस कंपाउंड के बीचों बीच में हुआ, अगर जैसे टू ब्यूटाइन में है और दोनों तरफ एल्किल समूह हैं, तो इन दोनों कार्बन में से एक कार्बन कीटोनिक ग्रुप में चेंज होगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, कीटोन। यानी कि जब सीमांत एल्काइन है तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, सीमांत एल्काइन है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। लेकिन अगर द्विप्रतिस्थापी, देखिए इधर भी एल्किल समूह है इधर भी एल्किल समूह है, तो द्विप्रतिस्थापी एल्काइन है, द्विप्रतिस्थापी एल्काइन के केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में हमें कीटोनिक कंपाउंड की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आई बच्चों से समझ में, ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा कि कार्बोनिल कंपाउंड की BH3 से अभिक्रिया किस प्रकार कराई जाती है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हाइड्रो बोरोनीकरण किस प्रकार किया जाता है, कई बार इस तरह से पूछते हैं कि एल्काइन ग्रुप की BH3 से अभिक्रिया कराने पे क्या बनेगा, ये अटैक किस प्रकार होगा। तो ये अटैक मार्कोनिकोव के नियमानुसार ही होता है, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, बोरोन पे प्लस चार्ज आएगा, एक एक करके तीन एल्केन ग्रुप जुड़ेंगे, उसके बाद सारे माध्यम में H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा और हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगर जो एल्काइन है वो सीमांत है, यानी कि जो ट्रिपल बंद है वो कंपाउंड के लास्ट में है, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन अगर जो एल्काइन है वो द्विप्रतिस्थापी है, यानी कि जो ट्रिपल बंद है वो कंपाउंड के बीचों बीच में है, तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। इसमें सेकंड उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जनरली 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वैसे इसके नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे ही चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन के पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप उनका प्रिंटआउट ले सकते हैं, जेरोक्स कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको नोट डाउन करने में मोबाइल से या कंप्यूटर से बहुत टाइम लगेगा, तो आपकी आँखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप उसको सीधा डाउनलोड करके और प्रिंटआउट ले लीजिए। प्रिंटआउट लेने के बाद आप उसको पढ़िए, जो समझ में नहीं आता उसको टिक मार्क करके, और वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन नॉर्मल हुआ तो उसका आंसर मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर वो क्वेश्चन ऐसा हुआ जो सबके काम आ सकता है तो फिर उसका आंसर मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। और आप कंटिन्यू होमवर्क भी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा नेक्स्ट, आप ये मानिए 1 वीक में मैं आपको ये चैप्टर फिनिश आउट करवा दूंगा। और हमारा कोर्स अप्रोक्सीमेटली इस बुक में 60% कंप्लीट हो जाएगा, तो 60% कंप्लीट होने के बाद जैसे जैसे हमारे पास टाइम कम होगा तो हमें एक दिन में दो तीन क्लासें लेनी होंगी, तो इसीलिए आप अभी से कोर्स के अकॉर्डिंग चलिए, ताकि आगे जाके हमें ज़्यादा मतलब हफजाजस ना हो कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, हम होमवर्क कैसे करें, हम असाइनमेंट कैसे करें। आप अभी से ही जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको और कंटिन्यू कीजिए, और नोट्स आप जल्दी ही या तो प्रिंटआउट ले लीजिए या जेरोक्स करवा लीजिए, मैंने आपको ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, जिससे स्किप हो गए वो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब जिसे नोट्स नहीं मिले वो मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं नोट्स पर्सनली भेज दूंगा, या जिन स्टूडेंट्स ने
जेरोक्स करवा लिए हैं उनसे भी, वो जेरोक्स करके आपस में काम में ले सकते हैं। एक बार एक पीडीएफ का प्रिंटआउट ले लीजिए आप, उसके बाद में आप आपस में जेरोक्स करवा लीजिए, है ना। ये आपके लिए आई थिंक सस्ता भी रहेगा, है ना। और जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी अगर आपको केमिस्ट्री में किसी चैप्टर के किसी बुक के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर की नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तीनों के नोट्स हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। मैं उनकी पीडीएफ बना के आपको या तो ग्रुप में डाल दूंगा या पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा, है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।